हेलो एवरीवन, आपके अपने किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने के लड्डू, जिनको हम नवरात्रे में माता के लिए भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपको लड्डू की रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, मैंने ये लड्डू किस तरह से बनाए हैं इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने साबूदाना। मेरे पास इस तरह का बारीक साबूदाना है, एक मोटा साबूदाना भी होता है, तो हम बारीक वाला साबूदाना लिया है हमने। इसको हम 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो हमने साबूदाने को धो के रख लिया है। अब मैं इसमें जितना साबूदाना है उससे दुगना इसमें पानी डाल देंगे। साबूदाने को 4 से 5 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे हमने ढक्कन लगा के रख दिया है। तो हमें साबूदाने को 5 घंटे भीगते हुए हो गए हैं डाले हुए। अब हमारा साबूदाना जो है, एक कटोरी डाला था, ये देखिए दुगना हो चुका है। मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, इसके मैं इसे छान लूँगी। इसका सारा पानी जो है हम साइड निकाल देंगे। तो साबूदाने के पानी को हमने छान लिया है। हमारा साबूदाना जो है इस तरह से मैश हो रहा है। हमें इसी तरह का साबूदाना जो है साबूदाने के लड्डू बनाने के लिए चाहिए। मैंने एक कढ़ाई गैस पे रख ली है। अब मैं इसमें डाल दी है 1.5 चम्मच के करीब देसी घी। अब इसे हम पिघलने देंगे। तो घी हमारा पिघल चुका है और गैस को मैंने लो मीडियम फ्लेम में रखा है। अब मैं डाल रही हूँ साबूदाना। और इसे हम घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे लो मीडियम फ्लेम में ही साबूदाने को भूनेंगे। तो मुझे साबूदाने को भूनते हुए 5 मिनट के करीब हो चुके हैं। साबूदाना जो है इस तरह का ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज। मैंने ले ली हैं तरबूज के बीज। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उन्हें ही इसमें ऐड कर सकते हैं। और ली है मैंने किशमिश 20 से 30, इसे भी मैं इसके बीच में ऐड कर दूंगी। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी मैंने जिस कटोरी के माप से साबूदाना लिया था उसी कटोरी के माप से मैं एक कटोरी चीनी ले रही हूँ। इसे भी मैं इसी के बीच में ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने 8 से 10 केसर के धागे लिए थे, जिनको मैंने दूध के बीच में पहले ही भीगने के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं हैं तो आप इसके बीच में छोटी इलायची भी का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, चीनी हमारी आधी पिघल चुकी है। इसे हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। तो चीनी जो है बिल्कुल पिघल चुकी है। ये लड्डू जितने बनाने में आसान होते हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार होते हैं। तो हमारा लड्डू का मिश्रण जो है इस तरह का सूखने लग गया है। देखिए, इस तरह से ये कढ़ाई को भी हल्का हल्का छूने लगा है। तो हमारा मिश्रण जो है रेडी हो गया है। अब हम गैस कर लेंगे बंद। अगर आपको लड्डू की रेसिपी
आपकी पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब बना लेंगे हम इसके लड्डू। ये हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। आपको जितने बड़े या छोटे लड्डू चाहिए आप उतने ही बड़े अपने पसंद के अनुसार लड्डू बना सकते हैं। इस तरह से तो हमारे सारे लड्डू जो है बनके रेडी हो चुके हैं।